व्हाट्स अप फ्री फायर लवर्स, क्या हाल चाल है, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज ना हमारे पास नया डिवाइस आ चुका है। ठीक है, तो इतना दिन से मैं रुक रहा था इस डिवाइस के लिए, तो आज फाइनली आ चुका है। तो जानते हैं इस डिवाइस के बारे में, तो गैस ही कर लो आप क्या होगा। जो भी इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कौन सा डिवाइस है। तो अब जो दिख रहे हो व्यूअर्स, गैस करो, कमेंट करो नीचे कि कौन सा डिवाइस होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हाँ, आपके भाई के पास नया डिवाइस आ चुका है जो है आईपैड। गाइस एप्पल का डिवाइस देख सकते हो, यहाँ पर एप्पल का है भाई। तो अब से जो भी रिकॉर्डिंग होगा ना, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी होगा, सब इसी डिवाइस से होगा, आईपैड से होगा। एकदम अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, अच्छा ग्राफिक्स मिलने वाला है। अभी जो रिकॉर्डिंग होगा थोड़ा सा बेकार होगा क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो भी। तो हाँ गाइस, इसके बारे में और जानते हैं कैसा है, कैसा दिखता है फ्री फायर, लाइक अंदर से ग्राफिक्स स्मूथ कितना है, सब कुछ जानेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईपैड मिनी मेरे हाथ में है। तो हम इसे ओपन करते हैं और इस पर फ्री फायर गेम ओपन करके देखेंगे कितना फास्ट होता है, इतना कितना पावरफुल है, समझ रहे हो। नॉर्मल डिवाइस में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें देखेंगे कितना फास्ट होता है। और बाकी भी गेम है मेरे पास, यहाँ पर पबजी है, NFS है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो वो सब हम अभी टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बस अभी फ्री फायर ओपन करेंगे क्योंकि हम फ्री फायर के कॉन्टेंट बनाते हैं, क्या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर एक नॉर्मल डिवाइस है, आप देख सकते हो नोकिया का फोन है, करीब 15-16 हज़ार का ये फोन, और ये करीब 35 का मिलता है। प्राइस का डिफरेंस बहुत है यहाँ पर, तो पर भी हम देखेंगे यहाँ पर कि गेम कैसा ओपन होता है, कितना स्पीड में गेम ओपन होता है इसका। तो यहाँ पर फ्री फायर यहाँ पर है, देख सकते हो आप, इधर फ्री फायर है और यहाँ पर भी फ्री फायर है। ठीक है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर कितना डिफरेंस मिलेगा देखेंगे हम। नोकिया मोबाइल, एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक iOS डिवाइस है आईपैड। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ रेडी हो चुका है, देखो मेरा आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर ये अब भी गरीना दिखा रहा है, समझ रहे हो यार, अब भी गरीना दिखा, ये रेडी है, ये पहुँच चुका है, अभी भी ये लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस, ये iOS है। ओके, काफ़ी टाइम लगा रहा है एंड्रॉयड डिवाइस, ये हो चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस मिला है गाइस हमें, यू नो सेकेंड्स का भी डिफरेंस, 5-6 सेकेंड का डिफरेंस मिला है, तो फ़र्क देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये नॉर्मल कैरेक्टर देखो, आईपैड का एक्सपेक्ट रेशो और इसका देखो, लाइक कितना गेमिंग में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, ये देखो प्लेयर यहाँ पर देखो, इसका लैग भी हो रहा है, देखो एकदम स्मूथ है भाई, देखो ये यहाँ पर देखो गाइस, करीब कुछ तरह दिखता है आईपैड में, यू नो कितना बड़ा है स्क्रीन भी, यहाँ पर सेम लगता है, यानो ये सेम लगता है अगर आप लॉबी में खड़े हो और देख रहे हो कि नॉर्मल मोबाइल वर्जन और आईपैड में, कौन सा भी टैब में आप खेल रहे हो तो सेम ही दिखता है, कुछ डिफरेंस नहीं लगता है अलग फ़र्क। तो यहाँ पर हम एक बैटल रॉयल मारेंगे स्टार्ट। तो अभी यहाँ पर देखना यह है कि देखो, ये भी गेम के अंदर जल्दी पहुँचेगा, देखो हाँ देखो पहुंच गया, इसको देखो अभी भी ये लोड हो रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है गाइस। तो इतना डिफरेंस मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपका पास अच्छा डिवाइस है, अगर आप प्रो बनना चाहते हो, कि समझो आपको प्रो बनना है, तो आपको एक अच्छा डिवाइस का ज़रूरत होता है। कि ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको आईपैड लो और कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारा डिवाइस है जो कि अच्छे प्रोसेसर के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पर, ये प्लेयर और उस प्लेयर में, देखो यहाँ पर इसका भी फुल कैरेक्टर दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पर इसमें ना काफ़ी इजी होता है हेडशॉट भी मारने का। सो गाइस हम लोग गेम के अंदर पहुँच चुका है, तो यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि रेशो कैसा मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ना, तो इस मोबाइल में ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि मोबाइल बहुत लंबा है, चौड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ का ब्रिज दिख रहा है, ये डैम का ऊपर का खंभा दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं, पोल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, मगर यहाँ पर आईपैड में नहीं दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। टारगेट सेम है देखो दोनों का, अगर आपको चाहे देखो मिडिल टारगेट दिख रहा है, वो घरों में है, ठीक है, स्क्वाड हाउस है शायद वो, तो वहाँ पर देख रहे हो आप, टारगेट वहीं पर है। यहाँ पर साइड के ब्रिज नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पर ब्रिज के जो खंभे हैं ना, ब्रिज बोलता हूँ सॉरी, डैम के खंभे नहीं दिखाई दे रहे, मगर मोबाइल में दिखाई दे रहा है क्योंकि मोबाइल चौड़ा है, ठीक है, तो उसमें दिखाई दे रहा है। और मगर अगर आपको हेडशॉट भी मारना है ना, तो यहाँ पर आईपैड में फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर ना आईपैड में ना घर का वो विंडो भी ना काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे आराम से मैं वहाँ पर एम रख सकता हूँ। मगर बात करें हम नॉर्मल डिवाइस की, जिसके पास भी फ़ोन है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी दूर है और काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पर बात करें इस मोबाइल डिवाइस की, कि मोबाइल में जब स्क्वाड आते तब बहुत लैग होगा गाइस, आप लोगों का मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है मोबाइल में, तो यहाँ पर काफ़ी लैग होता है, यू नो फ्रेम ड्रॉप भी होता है, तो वहाँ पर हेडशॉट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बात करें आईपैड की, तो यहाँ पर इसमें हेडशॉट भी आराम से मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितना बड़ा रखा है ये फायरिंग का, तो मैं प्रो प्लेयर नहीं हूँ, मगर मैं आराम से एक दो हेडशॉट मार ही लेता हूँ बंदे सामने आए तो काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर काफ़ी स्पीड मिलता है क्योंकि अगर समझो बंदा ने ना पहला फायर किया है और मैंने लेट फायर किया है, तो फिर भी मैं ही जीतूँगा वहाँ पर, तो इतना डिफरेंस मिलता है यहाँ पर, समझ रहे हो, अच्छा डिवाइस का। तो गाइस आज के लिए यही वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका और काफ़ी कॉन्टेंट आएंगे ऐसे गेम प्ले, आईपैड का गेम प्ले आएंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।